बामन भगवान को भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के यज्ञशाला में भेज दिया। अब बामन भगवान चले गए, राजा बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मान किम करवाम ते ब्रह्मर्षि राम तपः साक्षात् मन्ने त्वार्यावपुर्धरम् स्वागतम सुस्वागतम। मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपके चरण में मैं नमन करता हूँ। धन्य है मेरा ये यज्ञशाला, आज मैं स्वयं धन्यवान हो गया, भाग्यवान हूँ। हे प्रभु, आप मेरे यज्ञशाला में आए। भगवान बड़े प्यारे हैं, बामन रूप में आए, बावन अंगुल के भगवान, छोटे से भगवान, अपने छोटे छोटे चरणों से चलते हुए, हाथ में कमंडलू है, दूसरे हाथ में छाता है, मंद मुस्कान होठों में है। जैसे बलि के यहाँ प्रभु पहुंचे, सुंदर स्वागत बलि राजा ने किया। स्वागत करता हूँ और प्रभु बताइए ना आपको क्या चाहिए। मुझे लगता है मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ। आपके लिए एक छोटा सा घर बना दूं। भगवान बोले नहीं नहीं, मुझे घर नहीं चाहिए। तो मांगो ना प्रभु आपको क्या चाहिए। बोले तीन पग जमीन चाहिए। अब बताइए, इतने बड़े सम्राट बलि राजा के यहाँ छोटे से भगवान, बावन अंगुल के बामन भगवान जाकर के कह रहे तीन पग जमीन। राजा बलि बोले क्या कह रहे हैं आप, मेरा भी इज्जत है, मेरी इज्जत का भी ध्यान रखिएगा। कोई क्या बोलेगा, राजा बलि ने दान दिया है, तीन पग जमीन दिया। प्रभु कुछ ज्यादा मांगो, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई। बोले नहीं हुई, आपके लिए एक ब्राह्मण कन्या देख करके शादी करा दूं। बामन भगवान बोले शादी करने से क्या होगा। बोले आपके यहाँ पत्नी आएगी, आपको प्रेम करेगी और आपके यहाँ बच्चे होंगे छोटे छोटे। बामन भगवान बोले अच्छा, वो बच्चे होंगे तो फिर उसको पढ़ाएगा कौन। राजा बलि बोले कि मेरा जो विद्यालय है, दैत्यों का जो स्कूल है, विद्यालय उसमें पढ़ा देंगे। बामन भगवान बोले कि अच्छा ये बताओ, जब वो बड़े होंगे उसका विवाह कौन कराएगा। बोले आप ही को करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, जब वो मर जाएंगे तो उसमें रोना भी जरूरी होता होगा। बोले हाँ, रोना भी जरूरी है, किसी के मरने के बाद रोना तो चाहिए। अब बामन भगवान बोले तो रोने के लिए कौन रोएगा। बलि राजा बोले वो तो आप ही को रोना पड़ेगा, ये काम तो आपको स्वयं को करना पड़ेगा। तब भगवान बोले एक काम करो, ये रुलाने वाला शादी मत करो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राजन तीन पग जमीन दो, लेकिन ऐसे नहीं लूंगा, संकल्प करके लूंगा, तीन पग जमीन दान दे दे। बलि राजा बोले प्रभु और मांगिए, इतने से नहीं चलेगा, तीन पग जमीन का क्या करोगे। बोले एक पग में कमंडलू रखूंगा और दो पग में मैं बैठ करके तपस्या करूंगा, लेकिन संकल्प करिए। अगर देना हो तो संकल्प करो, नहीं देना हो तो जा रहा हूं। तो यहाँ राजा बलि संकल्प करते हैं। शुक्राचार्य जी ने रोका, लेकिन भगवान को वचन दिया था राजा बलि, आज गुरुदेव के आदेश को पालन नहीं करते, संकल्प कर दिया। जैसे संकल्प के जल बामन भगवान के चरण में छोड़ा, तुरंत भगवान ने विराट रूप धारण किया। बोलिए बामन अवतार भगवान की, विराट रूप बनाया और ब्रह्मांड को नाप दिया। एक पग से पूरे ब्रह्मांड को नापा, भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया, गंगा जी प्रकट हुई। बोलिए गंगा मैया की जय। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को कमंडलों में भर लिया। दूसरे पग से जितने भी लोग सबको नापा। भगवान बोले बलि अब बताओ मेरा तीसरा चरण कहाँ रहा।
राजा बलि बोले कि मेरे सिर पर रख लीजिए। इसी को महाराज कहते हैं बलिदान। आजकल के लोग बलिदान का कुछ दूसरा ही मतलब निकालते हैं, लेकिन बलिदान का मतलब राजा बलि के समान दान। राजा बलि ने इतना दान किया, अपने आप को दान कर दिया। तो आज सुंदर वामन भगवान का ये पावन चरित्र श्रवण कराया। अब स्वर्ग इंद्र को दे दिया, बलि राजा को पाताल लोक दिया, जहाँ भगवान स्वयं द्वारपाल बन के निवास करते हैं।